सर मैं तो पहले मैं दुकान मेरे को एक दुकान था सो पहले मैं सॉफ्टवेयर आ रहा था बहुत एरर से फंस जाता था फिर वापस दे देते थे फोन। अभी तो मेरे को बहुत एरर पता चल गया जैसा डी आई एरर जैसा फालीकम में एम टी के में जो भी सैमसंग में बहुत एरर आता वो एरर सब में जैसा मेरे पास साफ पे आते थे वो साफ फिर वापस चले जाते थे नहीं कर पाते थे। अभी क्या मैं वो पता चल गया पूरा जो भी एरर है मैं अभी एरर को फाइंड कर लेंगे और उसे 100% तो कुछ नहीं होता है आज के डेट में हम 99% कर लेंगे। क्या कर लेंगे? बट थोड़ी सी एक चीज उसमें जुड़ जाती है दोस्तों कि उसमें एक चीज जुड़ जाती है ऑथराइज अकाउंट। क्या जुड़ जाता है? जैसे आप एसपी फ्लैश टूल को यूज करेंगे तो उसमें आपको एक जैसे आप डाउनलोड बटन क्लिक करेंगे तो उसमें आपका ऑथराइज अकाउंट मांगेगा तभी जाके फ्लैश होगा नहीं तो नहीं होगा। कैसे क्या करना है सब हमने पता है सब वे पता है कि हम कहां कहां से फ्लैशिंग कर सकते हैं कहां कहां से एफआरपी हटा सकते हैं सब कुछ तो पता है ना। जिनको जिनको पता हाथ उठाओ। सब कर लेंगे? कौन ऐसा जो नहीं कर पाएगा? सभी कर लेंगे ना। कि आप ये बताइए सारे टूलों को चलाना रन करना डाउनलोड करना ये सारा कुछ आपको पता हो जाएगा? डाउनलोड कर लेंगे? ऐसा तो नहीं है कि केवल आपको बस बताया गया प्रैक्टिकल सारे टूल चला लेंगे। और आपको ये बताइए आपको थ्योरी वाइज ही मिला केवल क्योंकि प्रैक्टिकल करके भी मिला कि सारे टूल को कहां से सेटअप को डाउनलोड करना है कैसे चलाते हैं सारा कुछ पता चल गया। तो कॉलकॉम की हम बात करते हैं तो कॉलकॉम में कौन से फाइल आती है? कौन सा टूल यूज होता है? ड्राइवर कौन से यूज होते हैं? वेरी गुड। आप एकदम फ्रेशर हैं कि पहले से काम कर रहे हैं? सर अभी तो फ्रेशर हूं बिल्कुल। एकदम फ्रेशर थे। अब आप बताइए आपने सॉफ्टवेयर का यहाँ पे कोर्स किया इतने दिन का कैसा फील हो रहा है आपको? सर बेसिक से चालू हुई है तो चीजें बहुत अच्छी लग रही हैं। अभी इस लेवल तक तो सीख लिया हूँ अगर इससे कुछ अपग्रेड आया लाइफ में तो उसको भी मैं पकड़ पाऊंगा क्योंकि मेरा बेसिक क्लियर रहेगा। एडीबी से हटाने के लिए क्या क्या करना है? एडीबी से हटाने के लिए सर हमको उसमें एक कॉम्बिनेशन फाइल को पहले फ्लैश करना पड़ेगा। क्या करना होगा? कॉम्बिनेशन फाइल हम क्यों फ्लैश करते हैं? इसके बाद में एफआरपी सेम आ जाती है इसीलिए उसको एफआरपी को हटाने के लिए कॉम्बिनेशन फाइल एडीबी को इनेबल करने के लिए। अब बताइए आपको सॉफ्टवेयर की क्लास हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की क्लास आपकी कंप्लीट हो गई है तो कैसा लग रहा है आपको? सॉफ्टवेयर की क्लास में मतलब क्या सीखने को मिला? आप बिल्कुल फ्रेशर थे तो आपको कैसा फील हो रहा है? हम सर बहुत एकदम फ्रेशर हैं हम मतलब कभी किसी भी देखे नहीं थे अब लेकिन इधर आके किसी भी देखना सॉफ्टवेयर करना मतलब बहुत अच्छा लगता है। अब इजी लग रहा है? जी सर। पर इजी है नहीं मैंने क्या बोला था जितना इजी दिखता उतना इजी हमें इजी करना है। कैसे करना है? मेहनत करके। वेरी गुड। कैसे करना है? तो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। तो इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था। वो मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला मैकेनिक नहीं होता है। जिसका वो अंदर का ट्रैक उसका सप्लाई ट्रेसिंग उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए। वो जो इधर आके सीखा जो इधर आके सीखना सीख सकता है। तो अब मुझे ये बताओ कि तुम सेटिस्फाई हो यहाँ से? बहुत सेटिस्फाई। जब हम सीखे तो बहुत कुछ हम बहुत जगह ठके भी हैं ऐसा नहीं है कि लोग मुझे ठगा भी है लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिला और जब मैं यहाँ आया तो मुझे बहुत कुछ मिला। नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं आपका चैनल एशिया टेलीकॉम। दोस्तों ये हमारे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बैच के स्टूडेंट हैं जो कि हम दिखा दें आपको इनका हार्डवेयर कंप्लीट हो चुका है। ये सॉफ्टवेयर की क्लास भी लगभग कंप्लीट ही हो चुकी है। थोड़े बहुत सॉफ्टवेयर के क्लास बचे हुए हैं दोस्तों तो मैं आपको दिखा दूँ ये हमारे एशिया टेलीकॉम के स्टूडेंट हैं और हम ये आज सॉफ्टवेयर का रिव्यू है। 6 दिन की क्लास अमूमन हो चुकी है सॉफ्टवेयर की क्लास हमारी हो चुकी है। इन्होंने 6 दिन के अंदर में क्या क्या जाना है क्या नहीं जाना है किसको कैसा फील हो रहा है ये सारा चीज़ आपसे बात करेंगे। हम हमारे स्टूडेंट आपको बताएंगे कि सॉफ्टवेयर में कैसा लगा कैसा नहीं लगा। तो सबसे पहले तो हम पूछते हैं कि सॉफ्टवेयर में 6 दिन का सॉफ्टवेयर की क्लास हुई है तो कैसा लग रहा है आपको 6 दिन की क्लास में? अच्छा लग रहा है। CPU वाइज आपको सॉफ्टवेयर कैसा समझ में आया? अभी समझ में आया कि नहीं आया? CPU वाइज फ्लैश वाइज आपने जो आपने YouTube में आप कैसे आए यहाँ पे YouTube ही देखे हैं तो जो वीडियो हमारी YouTube में अपलोड होती है क्या वो फेक वीडियो होती है कि रियलिटी की वीडियो है? रियल होती है। क्योंकि आप जो आउटपुट दे रहे हैं क्या ये फेक आउटपुट दे रहे हैं कि रियल आउटपुट दे रहे हैं? रियल है। तो आप बताइए सॉफ्टवेयर कितने बेस पे होता है? दो बेस। कौन कौन से? CPU वाइज
वेरी गुड। कौन कौन से बेस होते हैं? अब आप बताइए, मैं पूछता हूँ एक एक करके, सबसे ये पूछूंगा एक एक करके, तो दोस्तों मैं नहीं पूछ सकता क्योंकि अगर एक एक करके पूछूंगा, बैठ जाओ, अगर एक एक करके मैं पूछा तो बहुत टाइम हो जाएगा और उतनी लंबी वीडियो कोई देखता नहीं है। तो मैं कुछ लोगों से सबके थोड़े थोड़े हाईलाइट लूंगा। मेडाटेक, क्वालकॉम, एसपीडी, सैमसंग, एमआई, कौन से टूल यूज होते हैं, कौन से ड्राइवर यूज होते हैं, कब फाइल कैसे चलानी होती है, कौन सा फाइल किस टूल को सपोर्ट करता है, ये छोटी सी एक रिव्यू ले लेते हैं दोस्तों, क्योंकि जो आप आते हैं आप किसी न किसी के रिव्यू देख के आते हैं। समझ में आ रहा है? तो हम बात करते हैं मीडियाटेक। चेतन, आप मीडियाटेक में कौन सी फाइल आती है? स्कैटर फाइल आती है। टूल कौन सा यूज होता है? एसपी फ्लैश टूल, ठीक है। ड्राइवर आपको कितने चलाने होते हैं? दो ड्राइवर, कौन कौन से? MT-65XX और MT-67। कितने बार चलाने होते हैं? वन टाइम, क्योंकि अगर आपका बार बार आया तो फोन आपको बार बार ड्राइवर चलाने है क्या? मैनुअली चलाने है कि इंस्टॉलर? आपको मेन तो मैनुअली चलाने ही चलाने हैं, बट आपको इंस्टॉलर अगर मिलते हैं तो आप इंस्टॉलर भी चला सकते हैं, बट मेन हमारा क्या है? मैनुअली आपको चलाना है, चलाना है। तो पहले दिन की क्लास हुई थी दोस्तों, मैं बता दूं, पहले दिन की क्लास हमारा टूल से हुआ था कि कौन सा टूल हम यूज करते हैं, कौन सा टूल हमें कहां से डाउनलोड करना है और क्या कैसे था, वो सारा चीज हमने बताया था। कौन कौन से टूल के बारे में पढ़ा? टूल बताइए। UMT का टूल हमने पूरा सेटअप जाना कि कहां से सेटअप हमें डाउनलोड करने हैं, क्योंकि देखिए सबसे पहली चीज तो हमें कुछ भी करने के लिए पहले तो वे चाहिए ना, साधन की जरूरत होती है कि कौन सा टूल, कौन सा क्या। पहले अगर हमारे पास टूल ही नहीं होंगे तो क्या हम कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, बताइए कौन कौन सा टूल आपने पहले दिन के क्लास में जाना? UMT जाना, मेरिकल का जाना, मेरिकल थंडर, वेरी गुड। Z3X जाना और MRT, चौथा आपने कौन सा जाना? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि आप ये बताइए, सारे टूलों को चलाना, रन करना, डाउनलोड करना, ये सारा कुछ आपको पता हो जाएगा? डाउनलोड कर लेंगे? ऐसा तो नहीं है कि केवल आपको बस बताया गया, प्रैक्टिकल सारे टूल चला लेंगे। और आप ये बताइए, आपको थ्योरी वाइज ही मिला केवल, प्रैक्टिकल करके भी मिला कि सारे टूल को कहां से सेटअप को डाउनलोड करना है, कैसे चलाते हैं, सारा कुछ पता चल गया? फिर दूसरे दिन की क्लास थी हमारी, दूसरे दिन की क्लास थी हमारी क्वालकॉम। तो क्वालकॉम की हम बात करते हैं, तो क्वालकॉम में कौन से फाइल आती है? सर .mbl। कौन सा टूल यूज होता है? सर क्यूफिल और क्यूपीएस। ड्राइवर कौन से यूज होते हैं? सर क्यूडी लोडर 9008। वेरी गुड। आप एकदम फ्रेशर हैं कि पहले से काम कर रहे हैं? सर अभी तो फ्रेशर हूं, बिल्कुल एकदम फ्रेशर थे। अब आप बताइए, आपने सॉफ्टवेयर का यहाँ पे कोर्स किया इतने दिन का, कैसा फील हो रहा है आपको? सर बेसिक से चालू हुई है तो चीजें बहुत अच्छी लग रही हैं, अभी इस लेवल तक तो सीख लिया हूं। अगर इससे कुछ अपग्रेड आया लाइफ में तो उसको भी मैं पकड़ पाऊंगा, क्योंकि मेरा बेसिक क्लियर रहेगा। बेसिक हमारा मजबूत हो गया है, तो कैसा फील हो रहा है आपको? अच्छा लग रहा है सर, सीनियर्स भी अच्छे हैं, सर भी अच्छे हैं, एक दूसरे की हेल्प से बहुत कुछ सीख रहे हैं सर, बेसिक से लेकिन सीख रहे हैं। वेरी गुड। अब नेक्स्ट रीजन मैं दीप्ति से पूछना चाहूंगा कि दीप्ति आप बताओ कि अभी तो हमारा मीडियाटेक क्लियर हो गया, मीडियाटेक में कौन सी फाइल आती है, कौन सा टूल, कौन से ड्राइवर, कैसे क्या करना है, सब हमने पता है, सब वे पता है कि हम कहां कहां से फ्लैशिंग कर सकते हैं, कहां कहां से FRP हटा सकते हैं, सब कुछ तो पता है ना? जिनको पता हाथ उठाओ, सब कर लेंगे? कौन ऐसा जो नहीं कर पाएगा? सभी कर लेंगे ना? फिर हमारे तीसरे दिन की क्लास हुई थी, वो आपका MI, तो MI बताइए कौन सी CPU आती है? जो नए फोन है अमूमन हमारे इंडिया में ज्यादातर क्वालकॉम के ही CPU आते थे, चाइना में मीडियाटेक आता था, समझ रहे हैं? अब हमारे यहाँ पे इंडिया में अब क्वालकॉम भी आने लगे और अगर मीडियाटेक आई तो फाइल कौन सी आएगी? स्कैटर फाइल आएगी। तो टूल कौन सा यूज होगा? सिंपल वही है, बट थोड़ी सी एक चीज उसमें जुड़ जाती है दोस्तों, की उसमें एक चीज जुड़ जाती है, ऑथराइज अकाउंट। क्या जुड़ जाता है? जैसे आप एसपी फ्लैश टूल को यूज करेंगे तो उसमें आपको एक, जैसे आप डाउनलोड बटन क्लिक करेंगे तो उसमें आपका ऑथराइज्ड अकाउंट मांगेगा, तभी जाकर फ्लैश होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो हमने MI की क्लास की, तो MI में कौन सा टूल यूज होगा? MI में हमारा MI फ्लैश टूल यूज होगा, क्योंकि MI में क्वालकॉम का ही CPU होता है। कौन सा CPU होता है? क्वालकॉम का CPU होता है। फाइल कौन सी आएगी फिर? फाइल आएगी .mbn। .mbn ही फाइल आएगी, क्योंकि उसमें CPU कौन सा लगा है? ड्राइवर अलग से फिर चलाने हैं क्या? नहीं, क्योंकि हमने क्वालकॉम का ड्राइवर वन टाइम चला चुके हैं, तो बार बार हमें ड्राइवर चलाने हैं क्या? ठीक है, तो हमने यहाँ पर MI में एक चीज और जुड़ जाती है, वो क्या जुड़ जाती है? क्या जुड़ जाता है?
तो एम आई अकाउंट को आप हटाने के लिए बहुत बेस्ट तरीका है, या तो आप पूरा उसको क्या कर दीजिए, या तो आप यूएमटी से जाके फॉर्मेटिंग कर दीजिए। वेरी गुड। अब आपको कैसा लगा, आप थोड़ा बता दीजिए। इतने दिन की क्लास बहुत अच्छा लगा, जो ट्रिक मुझे नहीं मिल रहा था थोड़ा थोड़ा ट्रिक इधर मिल गया है मुझे। अब आप कर लेंगे सॉफ्टवेयर? हाँ जी सर। कैसा फील हो रहा है, मतलब अब आपको क्या लग रहा है कि अब हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या तो एशिया टेलीकॉम आपने ज्वाइन करके अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करके अच्छा हुआ, मैं कर पाऊंगा सब। वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट स्टूडेंट से पूछते हैं, हमारा देखो मीडियाटेक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, हमारा क्वालकॉम क्लियर हो गया, हमारा एमआई क्लियर हो गया, फिर नेक्स्ट क्लास थी दोस्तों हमारी सैमसंग की क्लास थी, तो सैमसंग की खड़े हो जाइए, सैमसंग की क्लास हुई, तो सैमसंग की क्लास में आप बता दीजिए सैमसंग में कौन सी फाइल आती है? डॉटर फाइल आती है। वेरी गुड। टूल कौन सा यूज होता है सैमसंग के लिए? ओडिन। ओडिन टूल। वेरी गुड। ओडिन टूल आपका होता है जो कि फ्लैश करने के लिए, आपको वे बताया फ्लैशिंग कर लेंगे। फिर उसमें एक मसला आता है, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि आप अगर सैमसंग फोन को फ्लैश कर देंगे क्या एफआरपी उसकी हटेगी क्या? नहीं हटती है। अमूमन आप सैमसंग को फ्लैश कर देते हैं एफआरपी हट जाती है, तो मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा कि वो जो फ्लैश करते हैं एफआरपी हट जाती है, वो 2016 के फोनों में एफआरपी हटती है दोस्तों, जो 2015 के अंदर के फोन है उसकी क्या होती है, एफआरपी फाइल आती है, एक एफआरपी फाइल आती है, उसको फ्लैश करने से एफआरपी हट जाती है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों कुछ नया नहीं है, कुछ अलग नहीं है, उसमें एक एफआरपी की फाइल होती है दोस्तों, जो कि मैंने आपको अपडेट कर दिया कि वो फाइल अब नहीं मिलती है, अब वो काम नहीं करती है। अब जो हमारे फोन है 2016 से जो फोन आ रहा है उसमें एफआरपी फाइल काम नहीं करती है, तो उसके लिए एफआरपी हटाने के लिए कितने मोड से आप एफआरपी हटा सकते हैं? दो मोड। कौन कौन से? डाउनलोड मोड और एटीपी मोड। तो डाउनलोड मोड तो हमें पता है अशफाक, डाउनलोड मोड अगर आपको पता है तो डाउनलोड मोड में तो आप नॉर्मली हटा लेंगे, एडीबी से हटाने के लिए क्या क्या करना है? एडीबी से हटाने के लिए सर हमको उसमें एक कॉम्बिनेशन फाइल को पहले फ्लैश करना पड़ेगा। क्या करना होगा? कॉम्बिनेशन फाइल हम क्यों फ्लैश करते हैं? इसके बाद में एफआरपी सेम आ जाती है, इसीलिए उसको एफआरपी को हटाने के लिए कॉम्बिनेशन फाइल एडीबी को इनेबल करने के लिए, क्या करने के लिए? चलिए ठीक है, आगे का वे हम नहीं पूछेंगे क्योंकि आपको पता है वो ट्रिक कि हमें कॉम्बिनेशन फ्लैश करने के बाद क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, कर लेंगे। बस हमें यह पता होना चाहिए कि हमारी एफआरपी कितने मोड से हटती है। अब बताइए फिर से, आपकी एफआरपी कितने मोड से हटती है सैमसंग? कौन कौन से? एडीबी मोड और डाउनलोड मोड। क्लियर है? तो ठीक है, वो आपको आगे का पता है कि जब हम कॉम्बिनेशन पर फ्लैश कर देंगे फिर हमें क्या करना है, क्या चेक करना है, फिर क्या अनटिक करना है, वो आपको पता है। क्लियर है? सैमसंग के बाद अब मैं आपसे पूछूंगा, सैमसंग के बाद एसपीडी, फिर हमारी क्लास हुई थी एसपीडी की, तो एसपीडी में कौन सी फाइल आती है? पैक फाइल आती है। तो पैक फाइल आती है, टूल कौन सा यूज होगा? टूल ये रिसर्च टूल होगा, कौन से टूल होते हैं एसपीडी में? अपग्रेडेड टूल। उसके बाद एक फैक्ट्री टूल होता है, फैक्ट्री डाउनलोडेड टूल, उसमें आपका एरर का सोल्यूशन है दोस्तों, जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो ये सॉफ्टवेयर की क्लास आपने अटेंड किया, कैसा फील हुआ आपको? बहुत अच्छा लगा सर। कैसा अच्छा लगा, मतलब आप काम कर लेंगे कि नहीं कर पाएंगे? इतना तो नॉलेज हो गया कि मैं आप सारा, मतलब जितना भी अगर नॉर्मल फोन चल रहे हैं वो सारा चीज कर लेंगे, जितना सैमसंग का है नॉर्मल या तो अच्छा। क्या मैंने केवल नॉर्मल बताया क्या? आपको सारी ट्रिक दी है, ऐसा तो नहीं है कि केवल मैंने कीपैड फोनों का सॉफ्टवेयर बताया हो। आपको कीपैड एंड्रॉइड से मतलब नहीं है, आपको केवल दो चीजों से मतलब था, सीपीयू और फाइल। समझ में आ गया? अब सॉफ्टवेयर इजी हो गया? हाँ मनोज, आप बताइए आपको कैसा फील हुआ यहाँ पे सॉफ्टवेयर की क्लास लेके? अभी छठवां क्लास हम लोगों का चल रहा है, काफी अच्छे से अभी मतलब प्लेस करना सीखे हम लोग, एफआरपी को हटाना सीखे, एमआई के मोबाइल, सैमसंग के मोबाइल, और भी जो मीडियाटेक और क्वालकॉम के जो सीपीयू लगे होते हैं उसमें। वेरी गुड। और आई होप कि आप अच्छा काम कर लेंगे अब। यस सर। दिल से बोल रहे हैं? यस सर। हाँ तौफीक, क्या आपने सही चूज किया या फिर नहीं किया? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, मैं पहले भी सॉफ्टवेयर कर रहा, लेकिन सीपीयू और फाइलों के नॉलेज के कारण मेरे कुछ सीरियस आ जाते थे, तो मैं सॉल्व नहीं कर पाता था, लेकिन अभी मेरे पूरे डाउट पूरे क्लियर हो चुके हैं सर। तो यहाँ पे आपको वो फाइलों का जो एरर था उसके सोल्यूशन मिल गए, क्योंकि अमूमन बहुत से टेक्नीशियन काम कर रहे हैं, अगर वो काम सब सीख रहे होते तो यहाँ आते क्या? नहीं। क्योंकि उन्हें क्या पता करना था? ट्रिक एरर। आपको क्या जानना था? जो हमारे फाइलों में एरर आती थी। अब तो आप एक परफेक्ट फाइल, मतलब सैमसंग में आप परेशान होंगे क्या? क्योंकि अब हमें पूरा ट्रिक पता चल गया कि बैंड्री हो रही, तो हमें वन क्लिक में, क्योंकि हमने आपको एक चुटकी में बताया था कि आप सॉफ्टवेयर कैसे कर लेंगे, अब क्या आपकी बज रही कि नहीं बज रही?
अब आपकी सॉफ्टवेयर में बज रही है। मैंने पहले दिन क्या बोला था आपसे कि सॉफ्टवेयर क्या है, अब आप बजा रहे हैं कि नहीं बजा पा रहे हैं? आप बताइए, आपको सॉफ्टवेयर की क्लास, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की क्लास आपकी कंप्लीट हो गई है, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। सॉफ्टवेयर की क्लास में मतलब क्या सीखने को मिला, आप बिल्कुल फ्रेशर थे, तो आपको कैसा फील हो रहा है? हम सर बहुत एकदम फ्रेशर है, हम मतलब कभी किसी भी देखे नहीं थे अब, लेकिन इधर आके किसी भी देखना, सॉफ्टवेयर करना, मतलब बहुत अच्छा लगता है। अब इजी लग रहा है? जी सर। पर इजी है नहीं, मैंने क्या बोला था, जितना इजी दिखता उतना इजी हमें इजी करना है। कैसे करना है? मेहनत करके। वेरी गुड, कैसे करना है? चेतन, आपको कैसा लगा सॉफ्टवेयर की क्लास लेके? बहुत अच्छा लग रहा है। अब क्या सीखने को मिला कि नहीं मिला? जो आप वीडियो का रिव्यू देख के आए थे, तो जो वीडियो का रिव्यू आप दे रहे हैं, सही दे रहे हैं कि मतलब फेक दे रहे हैं? सही दे रहे हैं। मतलब क्या आप सॉफ्टवेयर कर लेंगे? ऐसा तो नहीं है कि केवल हम आपको यहाँ पे थ्योरी वाइज बताए हो, प्रैक्टिकल वाइज करके दिखाया कि नहीं दिखाया? वेरी गुड। चलिए, हमारे एक स्टूडेंट है, आप थोड़ा अपना सॉफ्टवेयर का अनुभव बता दीजिएगा, आपको कैसा लगा यहाँ पे और क्या फील कर रहे हैं? सर मैं तो पहले मेरे को एक दुकान था सो पहले मैं सॉफ्टवेयर आ रहा था, बहुत एरर से बच जाता था, फिर वापस दे देते फोन। अभी तो मेरे को बहुत एरर पता चल गया, जैसा डी एरर, जैसा फालीकम में, एम टी में, जो भी सैमसंग में बहुत एरर आता, वो एरर सब में जैसा मेरे पास साफ पे आते थे, वो साफ फिर वापस चले जाते थे, नहीं कर पाते थे। अभी क्या मैं वो पता चल गया पूरा, जो भी एरर है मैं अभी एरर को फाइंड कर लेंगे, और उसे 100% तो कुछ नहीं होता है आज के डेट में, हम 99% कर लेंगे। क्या कर लेंगे? 99%। आपका कैसा रहा अभी तक का सफर? मेरा सर अभी तक का सफर बहुत बढ़िया रहा है सर, यहाँ पे सॉफ्टवेयर का, हमारा हार्डवेयर का तो हमारा पूरा बहुत बढ़िया से हुआ। सॉफ्टवेयर हमारा अभी तकरीबन 6 दिन हमारा हो गया है सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर में हम लोग ने अनुमान सारी चीजें ऑलमोस्ट सीख लिया है, एरर से लेके एफआरपी से लेके फिर उसमें फ्लैशिंग के लेके सारी चीजें सर में सीख ली है। क्योंकि आपके पास केवल दो ही चीज के लिए, दो ही कॉन्सेप्ट के लिए फोन आएगा जी सर, या तो फ्लैशिंग या तो एफआरपी, क्योंकि उसको मैंने बहुत अच्छे से डिटेलिंग कर दी है, एक एक चीज बेसिक शुरू से लेके लास्ट तक सारा चीज हमने बताया कि कहां से आपको फ्लैशिंग करनी है, कौन सी फाइल डाउनलोड करनी है, कहां से करनी है, कौन सा टूल चलाना है, कैसे चलाना है, सारा चीज बताया ना आपको। और उसमें एरर आएगी तो एरर का सॉल्यूशन कैसे करना है वो भी सारा नॉलेज हमको दिया गया है, बहुत प्रॉपर तरीके से हम सर काम कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए वेरी गुड। ऐसे टेलीकॉम ज्वाइन करके अच्छा लग रहा है आपको? सर बहुत बढ़िया लग रहा है। इंडिया के नंबर 1 स्कूल कॉलेज जी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आपने क्या क्या किया यहाँ पर? तो सर मैंने सबसे पहले EasyTech पूरा समझा, UZ और उसके बाद UFI समझा, और EasyTech में कैसे प्रोग्रामिंग की जाती है मैन्युअली, और UFI में ऑटोमेटिकली कैसे की जाती है, और इसमें IC बेस्टेड निकालना, ब्लैक बेस्टेड, नॉर्मल बेस्टेड, जंप, माइक्रो जंपर, और A to Z जो प्रोग्रामिंग के जैसे होता है वो दौरान होता है वो हमने सीखा है हम लोग। सबसे पहले आए तो यहाँ पर हम लोग IC रिवॉल्व ही करना सीखा, और उसके बाद टेस्टिंग वगैरह हम लोग को सर बताए, और इतना अच्छा से बताए कि हम लोग के दिमाग में बस गया कि क्या होता है पैरेलल और सीरीज के बारे में। सबसे पहले की बात कि पैरेलल और सीरीज के बारे में जो जानता है वो तो एक्सपर्ट है, लेकिन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर करने के बाद अगर आपको लगता है कि AMC में हम कर सकता हूँ, उसके लिए आप हो गए हैं, तो एशियन टेलीकॉम उसके लिए बहुत अच्छा है। और बस, और मैंने जो AMC में ये सब सीखा उसमें मेरा डम फाइल बूट पार्टीशन क्या होता है, MCU को ब्लैक पेस्ट और वाइट पेस्ट मेरे कैसे निकालते हैं और कैसे लगाते हैं, ये मैंने सब सीखा है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे मोबाइल बनाया है अपना? हाँ, मैंने एक पे सैमसंग का मोबाइल मेरा अपना खुद बनाया जिसमें बूट मेरा डेड हो गया था, तो मैंने सर से किया और सबसे पहले दिन बन गया। हाँ, सबसे पहले दिन मैंने आपने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यहाँ से किया, अब AMC भी यहाँ से किया, AMC यहाँ से क्यों करने की इच्छा हुई आपकी? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर करने के बाद क्या लगा कि AMC का नॉलेज पहले नहीं था, आप हार्डवेयर में इतने पक्के बन गए या इसलिए मतलब AMC में अब टॉप बन गए? अच्छा, टॉप बन जाएंगे। आपने जो 9 दिन में क्या क्या सीखा वहाँ पे, एक मोटा मोटा बताओ। ये प्रोग्रामिंग पूरी सीखी, UFI पार्टीशन आया, फायर पार्टीशन सब हो गया, मतलब UFI का काम या JTAG का काम हम कर सकते हैं। हाँ सर, और IC रिवॉल्विंग तो हमने पहले से पढ़े थे और हमने अपने आप को मजबूत किया, और प्लस हमने उसके साथ IC पिस्टन IC निकालना, माइक्रो जंप ब्रेक इनसे करना बहुत जरूरी है। जैसे आज यहाँ तुमने बताया कि 1-2 साल से तो मोबाइल रखे हुए हैं, उसका क्या यूफोरिया फ्लैश नहीं हो पा रहा था, वो हैंगिंग लोगों में था। हाँ, मुझे 2 साल से रखे हुए थे, मैं सोचा कि वहीं जाके इसको सही करूंगा, और लेकिन ये मेरा
पूरा हो गया सर। मतलब ये सौभाग्य कि इन्होंने फ्लैश किया। अच्छा आपको मैं खुद सर उसमें ट्रेस किया और खुद मैं उसमें सॉफ्टवेयर चलाया। अच्छा प्रोग्रामिंग किया फिर उसे रिबॉलिंग किया, रिबॉलिंग करके किससे किया? यूएफआई से, जेटेक से, जेटेक से किया। आपको क्या लगता है यूएफआई आप कौन सा बॉक्स लेंगे, यूएफआई की जेटेक? सर मेरे लिए तो दोनों सही है, दोनों ही बेस्ट है आपके लिए। सर मैं 4 महीने से सर वीडियो देख रहा हूँ आपका, इंतजार कर रहा हूँ, 2 बजे रात को मैं सोता हूँ आपके वीडियो देखने के बाद। अच्छा जी, ये मैं 4 महीने से कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो अब मैं यहाँ आने का एक एक दिन का इंतजार कर रहा था, आप मुझे बहुत खुशी हुई है। कॉइल लगा होगा सैमसंग में, सीरीज में कॉइल लगा होगा। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको मैं एक आईफोन दे दूँ और आईफोन में BSI ओपन है तो उसका बना सकते हैं? बना सकते हैं सर, क्योंकि मेन जो कंपोनेंट्स उसमें मिलने वाले हैं उसका नॉलेज है, है हम दूसरे कंपोनेंट्स को छोड़ के सिर्फ उस लाइन पे वही कंपोनेंट्स जोड़ेंगे तो हमें जल्दी मिलेगा। आपको अगर सर्किट डायग्राम की बात करें, पीबी पर्दा आएगा कि नहीं आएगा आईफोन का? पीबी सप्लाई, आईफोन का पीबी अभी सर ने हमको पिछले 2 दिन में ही सिखाया है और मुझे सिखा दिया है, तो मतलब सब लोग तो कोई भी सीख सकता है यहाँ पर आके, क्योंकि मैं यहाँ से आने के पहले कभी आयरन भी नहीं पकड़ा अपने हाथ। अच्छा आप बिल्कुल फ्रेशर है? कभी आयरन नहीं पकड़ा है सर। अच्छा यहाँ पर मैं इतना सोच के आया था कि सिर्फ मैं डिस्प्ले लगाना सीख लूंगा तो बहुत हो जाएगा मेरे लिए करके, लेकिन मेरे साथ इतने अच्छे सब लोग हैं, इतने अच्छे सीनियर्स हैं कि मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ 4 दिनों में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छी बात है। आपने यहाँ पे सीपीयू लगा के चालू किया? यहाँ पर लगाया है सर, 1 टाइम नहीं हुआ, 2nd टाइम नहीं हुआ, 3rd टाइम में सर ने मेरे को कॉन्फिडेंस दिया और 3rd टाइम में मैंने पूरे ग्राफिक्स वाले मोबाइल को 1 टाइम में सीपीयू लगा। एक रिसीवर की लाइन है और उधर आपको क्या क्या कंपोनेंट मिल सकते हैं? सर रिसीवर की लाइन में सर हमको 2 गार्ड मिल सकते हैं, 2 सिक्योरिटी गार्ड मिल सकते हैं, ठीक है, 3 पानी पिलाने वाले हो सकते हैं, तीसरा वाला पानी पिलाने वाला कैसा लगा होगा? सर वो 2 लाइनों के बीच में पहला लगा होगा। वेरी गुड। और फिर उसके बाद में क्या? उसके बाद सर हम मैनेजर से मिलेंगे। मैनेजर से पर पहले एक और चीज लगी होगी वहाँ पर, चप्पल। चप्पल हाँ सर, चप्पल। मैनेजर से पहले क्या लगा होगा? चप्पल लगी होगी। थैंक यू वेरी मच। और इसके साथ में इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? तो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। तो इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला, वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला मैकेनिक नहीं होता है, जिसका वो अंदर का क्या उसका सप्लाई ट्रेसिंग उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, वो जो इधर आके सीखा, जो इधर आके सीखना सीख सकता है। तो अब मुझे ये बताओ कि तुम सेटिस्फाई हो यहाँ से? तो बहुत सेटिस्फाई। जब हम सीखें तो बहुत कुछ, हम बहुत जगह ठके भी हैं, ऐसा नहीं है कि लोग मुझे ठगा भी है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिला और जब मैं यहाँ आया तो मुझे बहुत कुछ मिला। अपने सेक्शन हुआ भी नहीं है? सेक्शन का हुआ है क्या अपना? फिर भी स्पीकर में अगर मैं बोलता हूँ तुमसे कि किसी भी फोन का नीचे की बॉटम कनेक्टर टूटा हो, वहाँ तो कर देंगे सर अच्छे तरीके। अच्छा B2B केबल टूटा हो, ICO के आसपास के कंपोनेंट से तुम स्पीकर बजा दोगे? ये तो मैंने यहाँ कुछ प्रैक्टिकल किया है। यहाँ मोबाइल में कुछ लाग डिफरेंट करना चाहता था, जो एडवांस लेवल का हो, वो नहीं बोलते IC लगाने वाले वो बैठे हैं, वो नहीं कुछ डिफरेंट, जो फर्स्ट फाइंडिंग आती है वो मेरे से मोबाइल वापस ना जाए शॉप से, ऐसी उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने मेरी बुक जो मोबाइल फ्लैशिंग सॉफ्टवेयर पर मैंने बनाई है उसको आपने परचेस किया होगा। दोस्तों उसको परचेस कीजिए, इसमें मोबाइल फ्लैशिंग का बहुत सारा ज्ञान है और इसमें से बातें लिखी नहीं गई हैं, इसमें चित्रों के साथ में बताई गई हैं स्टेप बाय स्टेप कि अगर कोई ड्राइवर किस तरीके से आप इसको ड्राइवर डाल सकते हैं, कौन से CPU की किस तरह से पहचान होती है या फिर मोबाइल में किस तरह से फ्लैशिंग की जा सकती है, तो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। इस बुक को खरीदने के लिए आपको लिंक नीचे मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपने मेरे मोबाइल रिपेयरिंग ऐप्स डाउनलोड करने हैं तो गूगल प्ले स्टोर में जाइए, लिखिए देवेंद्र अग्रवाल, और मोबाइल रिपेयरिंग से संबंधित वीडियो सर्च करना है तो यूट्यूब में जाइए, लिखिए देवव्रत अग्रवाल या लिखिए एशिया टेलीकॉम। दोस्तों ज्ञान असीमित है, यह आप पर है कि आप उसको कितना पाना चाहते हैं। थैंक यू। मित्रों हमारे सरंजी नवीन बुक किया है एडवांस मोबाइल चिप लेवल रिपेयरिंग सीखिए, तो दाता के वन झाला है ये तुम्हारा कायचा असेल तो तुम्हारा ऑनलाइन भेटेल, या व्हिडिओच्या खाली तुम्हारा लिंक दिलेली आहे, त्या लिंकला क्लिक करा आणि तुम्हारा हे प्रथम परचेस असेल। डाउनलोड करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में एशिया टेलीकॉम सर्च करें,
एसी टेलीकॉम लिखें और एसी टेलीकॉम लिखने के बाद आपको हमारे मोबाइल रिपेयरिंग एप्स जिसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और भी काफी एप्स है जिसमें मोबाइल रिपेयरिंग वीडियो और मोबाइल रिपेयरिंग टूल्स, मोबाइल रिपेयरिंग सॉफ्टवेयर और मोबाइल रिपेयरिंग हार्डवेयर के काफी एप्स आपको मिल जाएंगे। इन एप्स को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके लाभ उठाएं। Amazon 9001 on 2008 Certified Institute. Asia Telecom. Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.